दिव्या जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। दिव्या जी स्वागत है, क्या सवाल करना चाहती हैं आप? नहीं तो क्या मोबाइल में हम करें क्या, बोलते रहे मोबाइल से ना? मोबाइल पर ही बोलते रहिए, सवाल पूछिए, मोबाइल पे बोलते रहिए और जब मैं बोलूं तो आप टेलीविजन पर सुन सकते हैं। हाँ हम ये कह रहे हैं कि हमारे 45 एज है। जी हाँ हम ये कह रहे हैं अभिन जी नमस्ते जी आदाब, आपकी 45 आयु है हमने सुन लिया। 45 ईयर है मेरी, हमको आर्थराइटिस हो गया है पिछले साल से जी, और जैसे ही ठंड बढ़ती है तो और होने लगता है, हाथ पैरों में सूजन आ जाती है। ठीक है ठीक है, तो देखिए इस उम्र से शुरू होता है आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और जितने जोड़ों के दर्द हैं इस उम्र में सब सताने लगते हैं, क्योंकि हमारा जिस्म पेन किलर से कोई कोई आराम नहीं मिलता है। मैं समझ गया हूँ, आप मेरी बात सुन लीजिए। तो ये जोड़ों के दर्द की उम्र है और दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं या औरत जिसको दर्द ना होता, किसी को 45 साल में, किसी को 50 साल में, तो किसी को 35 साल में, लेकिन ये दर्द होता है। जैसे एक गाड़ी को हर 5-10 साल में रिपेयर करानी पड़ती है और हार्डलिंग कराना पड़ता है, ऐसे ही हमारी इंसानी बॉडी को भी इस उम्र में जाकर एक और हार्डलिंग कराना चाहिए। इसके लिए हम यूनानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यूनानी में बहुत सारे इलाज हैं लेकिन सब्र वालों के लिए हैं जो संयम रख सकते हैं, क्योंकि इसमें एकदम फ़ायदा नहीं होता, 5-10 दिन बाद फ़ायदा शुरू होता है और 3-4 महीने दवा लेनी चाहिए अगर हमको दोबारा से वही स्वस्थ ज़िंदगी गुजारनी है। अब आप वर्षों से खा रहे हैं ये दवाएँ, कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे एक वर्ष भी नहीं चाहिए, 3-4 महीने आप दीजिए। देखिए एक गोंद होता है, गोंद स्याह काला गोंद कहते हैं, ये नकली बहुत मिलता है, असली लेना है, जायके में कड़वा और रंग में ब्राउन होता है लेकिन इसे काला गोंद कहते हैं। ये अगर मिल जाए असली लेना ज़रूरी है, नहीं तो मैं जिम्मेदारी नहीं लेता। आप आधा आधा ग्राम सुबह शाम बगैर चर्बी के दूध से, पानी से या जूस से ले सकते हैं। अगर आप लगातार लेते हैं तो आपको फ़ायदा मुमकिन है।